नरसिगा तूफान भारतीय साहिल से टकरा गया है। रियासत महाराष्ट्र में तबाही, साहिली इलाकों में शदीद बारिशों और तेज हवाओं के सबब 3 अफराद हलाक हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में नरसिगा तूफान रियासत महाराष्ट्र के साहली इलाके रायगढ़ से टकरा गया है। 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस घरों की छतें उड़ गईं और मवासलती निजाम दरहम भरम हो गया है, जबकि रेलवे और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। साहली इलाकों में से 1 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। रियासत महाराष्ट्र के साहली इलाके में तूफान के जरिए असर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है, जबकि मुंबई के अलावा थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुगिरी अजला में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में गुजरात में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 43 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि मुंबई में आवाम को 6 से 7 घंटे घरों में रहने की हिदायत की गई है। रेलवे ने ट्रेनें रिशेड्यूल कर दी हैं और स्पेशल ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुतासर है और सिर्फ 19 परवाजें उड़ेंगी। 2 हफ्तों में ये दूसरा तूफान है जो भारतीय साहलों से टकरा गया है। 2 हफ्ते कबल मगरबी बंगाल में आने वाले तूफान ने तबाही मचा दी थी, जिसमें 90 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल 2005 में भी मुंबई को शदीद तूफान का सामना करना पड़ा, जब सिर्फ 14 घंटों में 94.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बायस सड़कें जेरियाब आ गई थी, शहर में जिंदगी मफलूज और 500 से ज्यादा अफराद पानी में बह गए थे।